बुढ़मू प्रखंड के ठाकुर गांव खिजूर टोला में 3 दिवसीय हनुमान महायज्ञ एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। जिसके लिए कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 1000 के करीब महिला एवं युवतियों ने भाग लिया। जो कलश यात्रा खिजूर टोला स्थित नदी से जल उठाकर पूरे गांव का भ्रमण किया गया, उसके बाद कलश स्थापना की गई। इस कलश यात्रा में राम, हनुमान और लक्ष्मण, सीता बने बच्चे झांकी के रूप में रहे, जो कि काफी आकर्षित रहा और लोगों में राम नाम के नारे लगाते हुए पूरे प्रांगण और पूरे गांव का भ्रमण किया। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय होगा और रात्रि में भंडारे का विशेष व्यवस्था की जाएगी। चौथे दिन मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। इसके समिति के अध्यक्ष गणेश गोप ने बताया कि आज खिजूर टोला में हनुमान महायज्ञ कब का प्रारंभ किया गया है। इस आयोजन में क्षेत्र के काफी लोग सम्मिलित हुए, पूरे तन मन धन से इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। खिजूर टोला में पहली बार कलश यात्रा हो रहा है, इसमें बहुत से कलश यात्री हैं, लगभग 1000 होंगे और ये कलश यात्रा में भाग लेके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। टोला में पहली बार कलश यात्रा हो रहा है, यहाँ पे हम लोग भाग लिए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं और पूजा करके हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। कलश यात्रा में भाग लेके कैसा महसूस हो रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा। कितना महिला लोग भाग लिए हैं इसमें? 700 महिला, बहुत हमारे भाई बहन सब भी हैं। ठीक, खिजूर टोले में ये यज्ञ पहली बार हो रहा है और हम लोग लगभग 1000 महिला इसमें भाग ले रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? और बहुत अच्छा लग रहा है। बोलेगी?